जय श्री कृष्ण। हमने देखा कि गोपू और लाली स्वामी आनंदालय जी के पास एक बार फिर आ गए और 3 दिन उन्हें वहाँ रहते हुए हो गए। स्वामी जी सोच रहे थे कि असली होंगे तो भी सिधार जाएंगे, नकली होंगे तो भी सिधार जाएंगे 3 दिन में। लेकिन 3 दिन निकल गए, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन सुबह वे कहते हैं, मैं तुम्हारा गांव देखना चाहता हूँ। गोपू बोला, माँ का भाग जा गया जो थे गांव में पधार वो जाओ सा, चलो अब बारी चलो अट्ठा माँ को तो यहाँ भी मन को नहीं लगे। स्वामी जी देखना चाहते थे कि ये राधा कृष्ण ही हैं या किसी गांव में रहने वाले कोई गोपू और लाली हैं। वे अगले दिन उनके साथ चल दिए। रास्ते में गोपू बांसुरी बजाने लगा और लाली गाने लगी, ताकि घणी कृपा गिर धारी सा, ताकि घणी ममता राधा रानी सा, ताकि घणी कृपा गिर धारी सा, ताकि घणी ममता राधा रानी सा, माँ का गाँव में संता चरण पड़िया, जन माँ का सूता भाग जग्या, आकी घणी करुणा बनवारी सा, आकी घणी ममता राधा रानी सा। स्वामी जी ने पूछा, गोपू ये बांसुरी तुम कब से बजाते हो? वो कहता है, मन ने भी याद कौन नहीं, पर गांव का सब जना खेवे अक घणो छोटो सो ही बजावा लाग गयो, काई चौकी को नहीं लागी था ने? नहीं, बहुत अच्छी है। तुम्हारा गांव कौन सा है? बोला, बांसरियो गांव छे मां को। स्वामी जी को लगा ये राधा कृष्ण ही तो नहीं है, पर वे देखे जा रहे थे क्या होता है। गांव में पहुंचे, गोपू ने अपने पिता से मिलवाया, लाली ने अपने भाई से। स्वामी जी ने सोचा, पिछली बार तो दोनों के आगे पीछे कोई नहीं था। स्वामी जी गोपू के घर पर रुके। लाली और गोपू उनसे कहने लगे, मैं एक विनती करबो चावा सा, ते ओठा को नहीं ले वो तो। स्वामी जी बोले, बोलो। गोपू बोला लाली से, तू खे? लाली मुख छुपा कर बोली, मैं कहीं खे हूं, तू ही खे। स्वामी जी बोले, बोलो ना, डरते क्यों हो? गोपू बोला, माँ दुनिया को ब्याह करा दियो नी, माँ का बड़का को नहीं माने, बाने थे ही राजी कर सको सा। स्वामी जी बोले, ये सब मेरा काम नहीं है। वे उठकर चले गए। रात को स्वामी जी से श्याम सुंदर ने कहा कि कल दोनों का विवाह करवा दे। स्वामी जी बोले, इतने दिन से कह रहा हूँ कि कुछ माया साफ करो अपनी, तब तो नहीं बोले, अब आए हो कहने, पहले ये बताओ दोनों का चक्कर क्या है? श्याम सुंदर ने कुछ नहीं बताया। अगले दिन स्वामी जी ने दोनों के बड़ों से बात करके विवाह करवा दिया। फिर वे जाने लगे तो गोपू और लाली ने पकड़ लिया। स्वामी जी बोले, क्या बात है? गोपू रोते हुए बोला, माने चार भुजा धारी सपना में किया अकम में दोनी दो दनी और जीवाला, हाँसू मुक्ति पे प्रार्थना करा, थे ही रस्तो दिखावेला। लाली बोली, अब माने अट्ठे संसार का समंदर में एकला छोड़ इकट्ठे जावो, मैं को नहीं जावा देवा। स्वामी जी को और रुकना पड़ा। 2 दिन तक दोनों का पूरा ध्यान रखा, भजन कीर्तन आदि चलता रहा। 2रे दिन शाम को श्याम सुंदर ने कहा, इनका अंतिम समय आ गया। बोले, अब तो बता दो चक्कर क्या है? श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे, दोनों का शरीर छूट गया, उनका अंतिम संस्कार किया। फिर स्वामी जी आश्रम पर आए। सोच रहे थे, इस बार असली गोपू और लाली आए, पिछली बार तो पागल ही बना गए। आश्रम पर पहुंचे तो स्वामी अमृतालय जी ने कहा, स्वामी जी कोई गोपू और लाली नाम के 2 किशोर आपकी कुटिया के बाहर बैठे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। स्वामी जी बोले, अरे ये चक्कर क्या है? इस बार तो अंतिम संस्कार तक करके आया हूँ, फिर कहाँ से आ गए? मेरा पीछा भी छोड़ोगे या नहीं? पागल ही बना दिया दोनों ने, पूरा नचा दिया मुझे, सब भजन पूजन काम धाम भूल कर दोनों के पीछे पीछे चक्कर काट रहा हूँ, आश्रम में पैर रखते ही फिर दोनों मौजूद। अमृताले जी बोले, क्या बात हुई, बाद में बताता हूँ, पहले उनसे निपट लूँ, पीछा तो छुड़ाऊँ अपना। स्वामी जी आए तो देखा वही शक्ल सूरत के गोपू और लाली पसीने में तरबतर कुटिया की सीढ़ियों पर बैठे हैं।
स्वामी जी जाकर दंडवत करने लगे। क्या चाहते हो मुझ गरीब से तुम दोनों? मेरा पिंड भी छोड़ोगे या नहीं? आते हो तो असली रूप में आओ ना, ये छल कपट क्या करते हो? अच्छे भले आदमी को पागल बनाने में लग रहे हो। मेरे ही पीछे पड़ गए हाथ धोकर, कोई और नहीं मिला क्या? दोनों एकदम सहम गए। लाली बोली, कुन छे कहीं घेवे? गोपू बोला, आपा कहीं जाना कुन छे, पर आपने माले पाप कहीं ले बने चढ़ावे। अजी महात्मा जी, मां दुनिया से कोई अपराध हो गयो जो थे अशो काम करो। स्वामी जी बोले, मुझसे क्या अपराध हो गया ये बताओ, मेरा पिंड कैसे छोड़ोगे तुम, चाहते क्या हो मुझसे? गोपू बोला, माने तो स्वामी आनंदाले जी से मिलनो छे, तासु कहीं काम सा, कितनी बार मिलना है, मैं आनंदाले परेशान हो गया मिलते मिलते, तुम परेशान नहीं होते? गोपू बोला, कोई बात कोनी सा, ते आराम कर लियो, मैं सेवा कर दे वाला, फिर पाछे मासू बात कर लीजियो। लाली गोपू से बोली, कई बात हुई? स्वामी जी बोले, ओ लाली जी, अगली बार ये मेरी भाषा सीख के आना आओ तो, सारे दिन कई बात हुई कई बात हुई, परेशानी कर दिया। गोपू लाली से बोला, गुरु जी महाराज तो यही छे, पण अबार बीमार सा लागे, गर्मी माथा माले चढ़ गई लागे। अरे माथा माले तुम दोनों चढ़े हुए हो, गर्मी क्या चढ़ेगी, अच्छे भले आदमी को बीमार बता रहे हो। बोलो इस बार क्या कहने आए हो, कितने दिन में मुक्ति चाहिए? गोपू बोला, मैं समझा कोनी सा, माने तो बट्टे चार भुज्जाधारी सुपना में, ये चार भुज्जाधारी में परेशान हो गया सुनता सुनता, दो चार बार और आ गए तो मैं भी ये भाषा बोलना सीख जाऊंगा, पर ये लाली मेरी भाषा नहीं सीख सकती, बोलो आगे बोलो। गोपू बोला, माने चार भुज्जाधारी किया, अके अट्ठे वृंदावन में स्वामी आनंद आड़े जी सो मिला, बे माने मुक्ति रो रस्तो बतावेला, ई मारे में अट्ठे थाका चरणा में आया छा। लाली ने भी वही बात कही। लाली से बोला, खे तू भी खे थारो सुपनो? स्वामी जी बोले, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में कौन कौन है ये बताओ। बोला, मैं दुनिया की आगाड़ी पाछाड़ी कोई कौन नहीं सा। स्वामी जी समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करूं, श्याम सुंदर की तरफ से कोई इशारा नहीं मिल रहा था। वो बोले, तुम्हारा गांव वो बांसरिया है ना? स्वामी जी ने रास्ता बताया पूरा। गोपू बोला, बट्ठे तो रीत तो जंगल जे गुरु जी महाराज, कदे चलिया मत जाजो सा, नार बगेड़ा ही राम नाम सत कर दे वेला, बट्ठे तो कट्ठे काई काई छे मैं सब जानू, गाया चरा तो डोल तो रहूं। बोले, मेरे साथ चलो मैं बताता हूँ तुम्हें, असली नकली का चक्कर भी तो खुले। अगले दिन उन्हें लेकर वहां गए, वहां कुछ नहीं था, खाली जंगल। स्वामी जी ने समझा फिर पागल बना गए मुझे, वापस आश्रम पर आए। गोपू और लाली को पास की कुटियाओं पर भेज दिया। आश्रम पर स्वामी जी के पास एक राजस्थान का व्यक्ति आया, बोला, राम राम सा। राम राम, बोलो। वो बोला, मैं बांसरिया सु आयो छू, बट्ठे ते गोपू और लाली को उद्धार कर आया छा, मारी विनती छे एक बार फिर बट्ठे पधारो सा, माँ गांव वाला को भी जीवन सुधर जावे। कौन से गांव वाले, कहाँ है मांसरिया गांव? ओ कहीं पूछो सा, फिर थोड़ा दिन पहले ही तो बट्ठे आर गया, कहीं मासूर उसेड़ा छो, तुम बैठो जरा मैं आता हूँ। गोपू और लाली की कुटिया की तरफ जाने लगे। एक शिष्य से कहा कि इस व्यक्ति का ध्यान रखे, ये कहीं जाए ना। फिर वे कुटिया पर आए तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने खूब ढूंढ लिया परंतु आसपास भी कोई नहीं मिला। अब समझ गए कि बांसरिया गांव वाले गोपू लाली ही सही थे, ये अभी वाले तो छलिया थे, बांसरिया गांव को ही जंगल बनाकर दिखा दिया। वापस आश्रम पर आए तो वह व्यक्ति बैठा था, कुछ देर चर्चा करके वह चला गया। एक शिष्य और स्वामी जी के पास खड़ा था, वह व्यक्ति उसको भी प्रणाम करके गया। जाने के बाद स्वामी जी ने शिष्य से कहा, वो तेरे चरण छू कर गया और तू अकड़ कर खड़ा रहा, थोड़ा सा तू भी झुक नहीं सकता था? ये मत सोचना कभी कि हम सब इन लोगों से ऊंचे हो गए। दो बातें ध्यान रख, एक तो नम्रता इतनी होनी चाहिए कि किसी को हमसे शिकायत भी हो तो सामने कह सके, उसे पीठ पीछे किसी और से ना कहनी पड़े। दूसरा, स्वभाव में पवित्रता इतनी होनी चाहिए कि हमारे पीछे से भी कोई नाम ले तो सम्मान से ले। सम्मान की चाहत नहीं करनी, परंतु स्वभाव इतना निर्मल हो कि किसी को हमारे सामने नहीं अपितु हमारे पीछे से प्रशंसा करना अच्छा लगे। इस तरह उसे समझाकर स्वामी जी चले गए।
स्वामी जी को गोपू और लाली का चक्कर अब समझ में आया कि वो सबसे पहले वाले तो राधा कृष्ण बनकर आए थे, दूसरी बार वास्तव में ही बांसरिया गांव के रहने वाले कोई गोपू और लाली आए थे, और तीसरी बार फिर छलिया बनकर बांसरिया गांव की जगह जंगल दिखा गए। जय श्री कृष्ण।